ओ भाई साहब, शिट शिट, तगड़ी मेहनत लगने वाली है यार, बहुत बुरा हाल है, बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक है कार इंटीरियर क्लीनिंग। इससे पहले मैंने कार एक्सटीरियर क्लीनिंग पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं या तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं तो मैं आई बटन पे वो वीडियो डाल दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो भी चेक करें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं। मैंने एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था कार के लिए, जो जिसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे आपको कि क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज, ये वैक्यूम क्लीनर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ये मुझे पड़ा है कुछ अराउंड 1300 के आसपास। सो अगर आप एक देसी हो तो ये पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर को देख के आपको लग रहा होगा कि क्या इसको हम अपने घर के छज्जे साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अपने घर पे। ये सिर्फ कार के 12 वोल्ट के डीसी सप्लाई पे काम करेगा। इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स दिए गए हैं। ये है ब्रश हेड माउंटिंग, साथ में है लॉन्ग हेड माउंटिंग, और उसके साथ एक फ्लेक्सिबल पाइप भी है सीट के अंदर क्लीन करने के लिए। साथ में जो वायर है ये कुछ 5 मीटर का है, काफ़ी लंबा है। एक बैग भी दिया गया है इसको कैरी करने के लिए। सो अदर देन वैक्यूम क्लीनर हमको चाहिए होगा एक WD-40 का स्प्रे या फिर कोई भी डीग्रीजिंग एजेंट जो लिब्रिकेशन के लिए हम यूज़ करने वाले। सेकेंड है एक कोई भी साधारण बॉटल, स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी और ये कॉलिन, साथ ही में एक माइक्रोफाइबर क्लोथ। सो गाइस, देखा जाए तो कार क्लीनिंग करने के लिए चीज़ों की कोई कमी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं मार्केट में। वो जेल होता है जो एसी वेंट साफ करने के लिए होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फोम्स होते हैं क्लीन करने के लिए, बट क्योंकि मेरी गाड़ी नई है तो मुझे इतना रिगरसली साफ करने की ज़रूरत नहीं है, विच आई फील। सेकेंडली, हमारे वीडियो बनाने का इंटेंशन यही होता है कि हम मिनिमल कॉस्ट में घर गोती चीज़ें यूज़ करके कैसे अपने पैसे बचाए, साथ ही में उससे ज़बरदस्त काम एक्सट्रैक्ट करें। शिट मैन, यार विंडो खुला ही छोड़ दिया, ओ गॉड। ओ भाई साहब, शिट शिट शिट। तो ये जो मैंने हरकत करी है ये मुझे बहुत महंगी पड़ सकती थी, बहुत भारी पड़ सकती थी, लेकिन अभी कितनी भारी पड़ी है मुझे जाके भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन द वर्स्ट थिंग कुड हैड हैपन कि डोर खुला हुआ था और अंदर बिरयानी के चावल पड़े हुए थे सीट के ऊपर। देर इज़ अ हाई चांस कि बाहर के जो चूहे हैं वो गाड़ी के अंदर घुस जाए, और अगर चूहे एक बार गाड़ी के अंदर घुस गए तो तबाही तो कंफर्म है। आपको तो पता ही है मेरे साथ चूहों का क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक तो पहले मेरे को बर्बाद करने के बाद पता नहीं अब मेरे गाड़ी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले वो। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये अपने मैट्स जो बहुत ही गंदे हो चुके हैं इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस, मैंने ये सिंपल रबर ग्रास मैट लगवाए थे। आप अगर 70 मैट यूज़ कर रहे हो अपने गाड़ी में तो वो आपके गाड़ी का जो मैट है ओरिजिनल, ये जो फ्लोर है ये गंदा होने से काफ़ी हद तक बचा लेता है। बट ये मैट के केस में आप देख सकते हो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरी वाट लगने वाली है, मैं इतना ज़्यादा साफ़ कैसे करूँ यार। देखिए, ये इतना गंदा हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ 70 मैट के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। वो जो मैट होते हैं यहाँ यहाँ तक कवर होते हैं, पूरा ऊपर एक्सेलरेटर के ऊपर तक। सो मैंने अपने फ्रेंड के अल्ट्रोज में देखा है कि वो मैट इतना ऊपर तक कवर होता है कि जो एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है उसका फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो फ्री मूव नहीं होता है तो। सो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप नॉर्मल मैट यूज़ करें ऐसे वाले, और अगर आप 70 मैट यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऊपर से कट कर लें अगर वो फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा है तो। आपके जो पेडल्स है ये फ्रीली मूव होने चाहिए। इसको मैंने पानी से भिगो के रखा है पहले, और इस पर कोई भी नॉर्मल सोप लगा के आप इसको ब्रश से क्लीन कर सकते हो। फिर उसको इस तरह छांव में सुखाना भी ज़रूरी है। सो वैक्यूम क्लीनर के सॉकेट को प्लग इन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कैसा काम करता है ये। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग हेड माउंट किया है वैक्यूम क्लीनर पे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा सक्शन पावर है इसका, डस्ट अंदर साफ कर ले रहा है। और एक जनरल टिप ये है कि वैक्यूम क्लीनर ऑन करने से पहले आप गाड़ी के इंजन को 2-3 मिनट के लिए स्टार्ट करें, उससे गाड़ी के बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जल्द से जल्द ये बिरयानी के चावल को भी सक कर लिया जाए इससे पहले मेरे घर वालों को पता चले। बढ़िया। और ये है क्लीनिंग का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रश हेडेड माउंटिंग। देखते कैसा काम करता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा डस्ट साफ तो कर रहा है, बट ये जो यहाँ पे कीचड़ का दाग लगा हुआ है जो सूख चुका है पूरी तरह, ऐसे निकलेगा नहीं, इसके लिए कुछ करता हूँ मैं। तो ये सारा कचरा इसके अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है, ये कंटेनर को मैं अनमाउंट करूँगा और पूरा कचरा इसमें से निकाल दूँगा।
ये देखो ऐसे, और इसके अंदर एक फिल्टर होता है, उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा उसको ऐसे झटक ले तो सारा धूल निकल जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो जिद्दी दाग है इसको कैसे साफ किया जाए। कुछ नहीं, बस स्प्रे वाटर बॉटल में बहुत सारा पानी यहाँ पे स्प्रे करना है ये जिद्दी दाग के ऊपर, और इसको पहले गीला कर लेना है। अब ये स्टेन वीक हो गया है, अब इसको कपड़े से आप साफ कर सकते हो। स्पेशली ये पार्ट, ये जो लोग होते हैं ना जो गाड़ी में चढ़ते हुए ये पार्ट को गंदा कर देते हैं, सच्ची बताओ यार दिल से बुरा लगता है। ऐसा ना करें। ये वीडियो के थ्रू मैं एक सोशल मैसेज पास कर रहा हूँ, गाड़ी पे ऑनबोर्ड होते टाइम अपने जूते साफ कर लें यार, साफ करने में वाट लगती है, सच्ची बता रहा हूँ। इन पेडल्स को भी साफ करना ज़रूरी है, इस पे बस ये वाटर स्प्रे करके कपड़े से पोंछ लेंगे। यहाँ मैं कार के डैशबोर्ड को कॉलिन से साफ कर रहा हूँ। आप इसके जगह कोई वैक्स इंटीरियर क्लीनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कॉलिन से इसको साफ कर रहा हूँ, पूरे डैशबोर्ड को, टच स्क्रीन को और स्टीयरिंग व्हील्स को भी, और इंटीरियर का जो विंडशील्ड है इसको भी साफ करूँगा। फाइनल स्टेप है क्लीनिंग का। अभी हम सारे मूविंग पार्ट्स के जॉइंट को लिब्रिकेट करेंगे, जैसे कि ये डोर हिंजेस को और डोर लॉक्स को भी। तो यह होता है हमारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट। ये गाड़ी हो गई है चकाचक रेडी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।